कैसे आप लोग? और मैं मनीष कुमार, और आज फिर हम लोग आ चुके हैं। हाँ, नंबर सिस्टम का क्लास। चलिए, हाँ ओके, नंबर सिस्टम के क्लास में आइए। नंबर सिस्टम हेडिंग दे दीजिए, अगर नहीं दिए हैं तो। और आज का क्लास है आपका लास्ट टू डिजिट निकालना। नंबर सिस्टम का ये जो क्लास है, आज हम लोग सीखेंगे लास्ट टू डिजिट। हेडिंग दे दीजिए, यूनिट डिजिट आप इसके पहले सीख चुके हैं, और आज आपको सीखना है लास्ट टू डिजिट नंबर्स को फाइंड आउट करना। लास्ट टू डिजिट यानी कि लास्ट टू डिजिट हो गया अंतिम से दो अंक, अंतिम से दो अंक। लास्ट टू डिजिट, इंपॉर्टेंट बात बार बार कह रहे हैं, अंतिम से दो अंक, अंतिम से दो अंक, ये आपको सिखाना है। यानी कि अंतिम से दो अंक का मतलब अगर आप समझिएगा तो ये, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि आज हम लोग सीखेंगे टेंस प्लेस निकालना। टेंस प्लेस, टेंस प्लेस यानी कि दहाई अंक ज्ञात करना, दहाई का अंक ज्ञात करना। टेन प्लेस, यूनिट प्लेस तो आप सीख चुके थे। यानी कि आज जो चीज़ें आपके सामने आएगी वो आएगी दहाई का अंक। दहाई का अंक आज आपको समझना है। तो चलिए, बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, लास्ट टू डिजिट का ये आपको पहला ही वीडियो है, लास्ट टू डिजिट का ये पहला ही वीडियो है, फर्स्ट वन है ये। हाँ, और आज हम लोग टाइप वन इसमें सीखेंगे, आज हम लोग टाइप वन इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले लास्ट टू डिजिट का मीनिंग क्या है ये क्लियर करते हैं। आइए ये पहले क्लियर करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, लास्ट टू डिजिट की मीनिंग क्या है। तो जैसे एग्जांपल्स में एक आप नंबर उठाइए, 8062943 2, और एग्जांपल में नंबर ले लीजिए 2425694, और आप एग्जांपल में नंबर लीजिए 100604, और आप एग्जांपल्स में नंबर लीजिए पहले 10809040। ठीक है, एक और ले लीजिए 000 आप ले लीजिए। आपने यहाँ पे चार एग्जांपल रखा। अब ये चार एग्जांपल्स में हम आपको पूछे कि इसका टेंस प्लेस की बात हो रही है दहाई के अंक की। तो दहाई का अंक का मतलब क्या है कि सर आप राइट से हमेशा कहाँ से लेना होगा, राइट से, हमेशा राइट से आपको दो डिजिट, राइट से आपको सेकंड दो डिजिट आप देखिए, राइट से आपका दूसरा डिजिट, राइट से दूसरा डिजिट। तो इसमें राइट क्या होगा, इसका तो राइट इधर से होता है, इसका भी राइट यहाँ, इसका भी राइट यहाँ, इसका भी राइट। तो दो डिजिट यहाँ क्या है 32, यहाँ दो डिजिट क्या है 54, यहाँ दो डिजिट क्या है 04, यहाँ दो डिजिट क्या है 00। तो ये सभी नंबर्स के, ये भी इस नंबर्स का टेंस प्लेस कल आएगा, ये भी इस नंबर्स का टेंस प्लेस कल आएगा, ये भी इस नंबर्स का टेंस प्लेस, ये भी इन नंबर के दहाई अंक। तो इसमें जो होगा ये पहला इकाई अंक होता है, दूसरा दहाई अंक, तीसरा सैकड़ा का होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये चीज़ें आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, नई बात हम नहीं सिखा रहे हैं आपको। ये जो तीसरा होगा ये आपका दहाई का अंक होता है। तो टेन प्लेस निकालना है तो ये जो यानी दूसरा अंक ये वाला, ये फोर नहीं, फोर इसमें नहीं, फोर बाहर आ जाएगा, ये फाइव, ये जीरो, ये जीरो, ये आपको क्या, ये है टेन प्लस। तो आज आपको सीखना है कि अंतिम से दो अंक कैसे निकालते हैं। नंबर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि सर सवाल ही नहीं आता है, एकदम आता है बाबू। और इस तरह के दो नंबर्स यानी जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में एक हम आपको ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसके जो लास्ट दो डिजिट आपके नंबर होंगे, तो लास्ट दो डिजिट यही आपके नंबर होंगे,
और ये जो नंबर होगा ये होगा टेंस प्लेस पे, किस प्लेस पे होगा, टेंस प्लेस पे, और ये तो यूनिट प्लेस है जिसका आप पीछे का सारा क्लास किए हुए हैं। अगर आप नहीं किए हैं यूनिट अंक निकालना तो कीजिए बाबू। ये जो होता है सेकेंड डिजिट राइट साइड, आपका हाथ का ये राइट साइड हो गया, राइट साइड से सेकेंड डिजिट कहलाता है 10+। तो आज आप 10+ का मीनिंग समझे, अब इसको निकालना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम एक लिखते हैं और कहते हैं कि उसका आप 10+ निकाल के दिखाइए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 72 नहीं, एक ही बार भारी क्वेश्चन आप मत उठा लीजिए, आप छोटा उठाइए, 22, 31, एकदम बेसिक से 44, 27 मल्टीप्लाइड 27 मल्टीप्लाइड 37 और 43। ये आपको है और हम इसका पूछे आपको कि 10+ क्या होगा, 10+ इसका 10+, या हम पूछे कि अंतिम से दो अंक बताएं, यानी लास्ट टू डिजिट नंबर, या हम आपसे पूछे कि अंतिम से दो डिजिट बताएं, ये हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समय इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि समय भी तो बचाना रहता है ना, इसलिए समय इन्वेस्ट उसी में कर देंगे तो आगे क्या सीखेंगे मेरे दोस्त, तो समय भी बचाना है। तो क्या है कि टेंस प्लेस निकालना, टेंस प्लेस निकालना या लास्ट टू डिजिट निकालना। तो चलिए कैसे निकालते हैं, आइए इस चीज को समझते हैं। जब भी आपको लास्ट टू डिजिट निकालना है तो दिए गए में जो नंबर हो उसमें आपको डिवाइड करना है हमेशा 100 से। ये बात आप नोट में समझ लीजिए, लास्ट अगर आपको दो डिजिट निकालना है तो दिए गए नंबर्स में 100 से डिवाइड कीजिए। वो नंबर्स गुना में हो, वो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, वो नंबर्स ऐड में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, हमेशा 100 से डिवाइड करना, ऑलवेज। यानी कोई भी नंबर्स आपको दिया है और वहाँ कहे कि आपको दो अंक बताइए तो उसमें 100 से डिवाइड कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है नाउ इसको फिर से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 22 × 31 × 44 × 27 × 37 × 43। अब इसमें नंबर में कितना से डिवाइड करना है, 100 से। आप ये बात समझ लीजिए, 100 से आप डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से, तभी लास्ट का दो डिजिट निकलेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए, अब ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, छोटा छोटा गुना बनाइए, 22 × 31 682। अब ये दोनों को एक साथ कर लिए, 44 × 27 440 800, और फिर हो गया वो यानी कि 1188। हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, आप मल्टीप्लाई घर पे करके देखेंगे, 1188 37 × 43 ये आपका हो गया 1591। 37 × 41 1591 1591। अब अभी भी इसको 100 से डिवाइड करना। अब एक चीज आपको बता रहे, अब ये इतना बड़ा है तो इसको मत गुणा कीजिए, इसका दो दो डिजिट लास्ट का उठाइए, दो दो डिजिट, टेक्निकल समझिएगा, बहुत अच्छा टेक्निक है कि लास्ट का दो दो डिजिट उठाएंगे। अब इसको गुणा करते हैं, यानी कि 82 × 88 × 91 / 100। अब आगे बढ़ते हैं, किसी को दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए 82, और या उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 82 और 88 को कर लीजिए, ठीक है, तो 8 × 7 = 72 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 7216, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए 91 और डिवाइडेड बाई 100। अब फिर आप पूरा नहीं कीजिए, क्या कीजिएगा, इसका लास्ट दो डिजिट लीजिएगा, ले लीजिए 16 × 91 16 × 91 / 100, तो ये 91 910, और फिर गुना 6 तो ये आपको हो जाएगा 1456 divided by 100। अब आप बताइए 1456 जैसे ही आया
तो आपको जब डिवाइड इसमें कीजिएगा तो यही ना लास्ट के दो डिजिट बचेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 56, यानी इसके टेंस प्लेस पे आएगा, टेंस प्लेस पे आएगा इसके 5, 10 प्लेस पे 5 आया, इसका लास्ट जो डिजिट जो होगा वो होगा 56। बोलिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बड़ा अपडेट क्वेश्चन था, यानी कि इस बार के एग्जाम्स का था, वहां से उठाए थे आपको कि लास्ट दो डिजिट कैसे निकालते हैं। अभी चीजें समझ में नहीं होगी तो एक और ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल, हाँ इधर दिख रहा है आपको, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 101 गुना 102, ध्यान से समझिएगा, गुना 103 मल्टीप्लाइड 104, ठीक है, 102, 102, 3, 4 तक लेकिन ये बड़ा, फिर 9 ले लीजिए डायरेक्ट, एक बार 9 पे पहुंच जाइए, 103, 109 या 109 भी हटाइए, थोड़ा सा और टफ करते हैं, 197 लेते हैं यहाँ पे, 197 थोड़ा सा टफ करते हैं, 197 फिर 198 और 199 ले लीजिए, हाँ थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, 198 और 199। अब इसको निकालना है, इसका आपको निकालना है दहाई के दो अंक, तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट यहीं पे हम 100 से भाग दे देते हैं, क्वेश्चन तो पहले ही था, 100 से सीधे भाग दे देते हैं, तो जैसे ही आप देंगे तो अब की बार इसमें देंगे तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3, लेकिन यहाँ पे आप भाग देंगे 197 में 100, तो जरा आप हमको बताइएगा, यहाँ पे तो ये 97 बचने वाला, यहाँ पे 98 और यहाँ पे क्या बचने वाला है 19, अलग अलग भी तो भाग दे सकते हैं मेरे दोस्त। हाँ, अगर मान लो कि अगर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ पे समझना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई अगर 100 है, तो मेरे दोस्त a बाई 100 प्लस बी बाई 100 और प्लस सी बाई 100 लिखने में क्या दिक्कत है, अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अलग अलग डिवाइड आप कर सकते हो। तो यहाँ वही काम किए, इसको किए, इसको किए, इसको, और ये सर प्लस में है और यहाँ पे गुना में रहेगा, तो आप कहिएगा सर गुना में रहेगा तब हो सकता है कि नहीं, तो गुना में तो 100 तो सब में कॉमन ही रहेगा, सब में भाग ही देना है, इसलिए आप इसको ऐसे भी भाग दे सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 फिर 2 गुने 3, यही ना बचेगा, 1 फिर बचेगा 2 फिर बचेगा 3, ठीक है, फिर यहाँ बचेगा 97, यहाँ बचेगा 98 और यहाँ बचेगा 99, लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ, अभी भी आप 100 से डिवाइड करोगे, फिर आगे बढ़ाते हैं, करोगे कि नहीं मेरे दोस्त। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए गुना, और ये 3 × 6 97 गुना 6 कर दीजिए, 97 गुना 6 कर 742 582 582 और 98 × 99, ये बेसिक टेक्निक वाला गुना है, अगर कैलकुलेशन का ट्रिक नहीं किया तो उसका भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, बेसिक कैलकुलेशन का ट्रिक, 98 × 99, दोनों में डिफरेंस याद है आपको, तो 9702 आ जाएगा, 9702, और ये बटा अभी भी 100 लिखिए, आगे बढ़ा लीजिए, इसका दो डिजिट 82, इसका दो डिजिट 02, तो 82 × 02 164, बहुत अच्छे 164 और डिवाइडेड बाई 100। तो अब मेरे दोस्त बताना कि इस क्वेश्चन का लास्ट टू डिजिट क्या आने वाला है, सर 64 आने वाला है। तो क्वेश्चन आपको ये ऊपर वाला था, हम यहीं पे इसको बना दिए, आपको कैसे कैसे बनाए हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे हम लगा देते हैं ऐसे, यानी नीचे ये बना हुआ है इसका सॉल्यूशन, देखिए तो ध्यान से, तो आप गुना में दिया हो उस क्वेश्चन का लास्ट के दो डिजिट निकालना सीखे, यानी इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 64 होगा और इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दो डिजिट जो होगा वो 56 होगा, इस क्वेश्चन का 10+5 होगा और इस क्वेश्चन का 10+6 होगा, 10+6 होगा, unit+4 होगा। अभी भी कोई डाउट है फिर से पूछिए, क्योंकि 10+ आपके एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ टेक्निकल्स बात सीखेंगे, टेक्निकल्स बात ये हो गया कि आपको बहुत ऐसे सवाल है जो कुछ टेक्निकल्स पे आते हैं 10+ पे, वो डायरेक्ट टेक्निक बताना चाहते हैं,
क्योंकि इसी के लिए आप मेरे पास आते हैं आप, तो इसको बोलिए मिटाएं। चलिए मिटाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए हाँ, 10 प्लस का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 10 प्लस का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया कि गुना में क्वेश्चन हो तो उसको 100 से डिवाइड कीजिए और आप उसको निकाल सकते हैं ऐसे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही आएगा, कुछ एग्जांपल्स और भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम आपको लेते हैं। जैसे मान लीजिए 767 हो और इसका पावर आपको दे दे 200, हम इसका कहें लास्ट का 2 डिजिट बताइए, ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि नंबर सिस्टम में अब आप आ गए बेस पावर पे, समझिएगा बेस और पावर पे, बेस पावर का लास्ट 2 डिजिट निकालना, यानी यहां पे क्या बनेगा, बेस पावर का लास्ट 2 डिजिट निकालना। तो अभी समझिएगा कैसे निकालना है, अभी आप एक और एग्जांपल लीजिए ना, 343 और यहां पे पावर आप ले लीजिए 400 और ये पूछे कि इसका, ये आपके एग्जाम के सभी आए हुए क्वेश्चन ही हम उठा रहे हैं। फिर एक और आप ले लीजिए 400, आप ले लीजिए 499 ले लीजिए, 499 और इसका पावर आप ले लीजिए 800 और ये पूछे इसका लास्ट 2 डिजिट क्या, आप ले लीजिए 441 ले लीजिए, 441 और इसका पावर आप ले लीजिए 60 और पूछे कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो। ये आप टाइप 2 भी कर सकते हैं एग्जांपल में, ये क्वेश्चन समझिएगा मेरी बात को। अब ये है कि इसके लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बना दिया गया, ये नहीं कि आप इसको सोचने लगे, नहीं सोचिएगा, क्यों सोचिएगा भाई, आइए हम आपको बताते हैं। ये बेस होता है सब, ध्यान से समझेंगे, नोट समझिएगा, यदि बेस में, इफ बेस में, बेस में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है नहीं बताना पड़ेगा, अगर पीछे का क्लास नहीं किया तब तो दिक्कत ही होगा। बेस में यूनिट डिजिट इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो, ठीक है, ठीक है, हो, और उसके पावर, और उसके पावर 20 × n के रूप में हो, 20 × n के रूप में हो, तो ध्यान दीजिएगा, तो 01 ही लास्ट 2 डिजिट होंगे, 01 इज लास्ट 2 डिजिट, ये देखिए डाटा फिक्स हो गया, 01 ही लास्ट 2 डिजिट या 01 ही लास्ट 2 डिजिट होंगे, अंतिम 2 डिजिट होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिखें आपको समझने के लिए, यानी ये डेटा फिक्स हो गया कि 01 ही लास्ट 2 डिजिट आने वाला है, कब, जब बेस में ही हो, बेस में यहाँ पे 7 है देखिए, तो बेस में यहाँ पे 3 है, यूनिट डिजिट पे 9 है और ये आपको 1 है कि नहीं, बेस पकड़िए, यहाँ 1 है, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 7, हमने क्या लिखा है, बेस में यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं, इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो, 1, 3, 7, 1 है, 3 है, 7, 9 है और उसके पावर 20 × n, इसका मतलब क्या है भाई, तो 20 × n का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं कि 20 × n का मतलब है कि मान लीजिए n की वैल्यू आपको 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 100, n की वैल्यू 4 कुछ भी हो सकती है, तो गुना कीजिए तो 20 × 4 = 80, 20 × 60, 20 × 100, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो, ये 20 × n के टर्म में। जैसे यहाँ पे 200 का जरा आप बताइएगा, 200, ये 200 दिखाई दे रहा है, 200 को ये 20 × 10 में है कि नहीं, 200 होगा, 400 को देखेंगे विद्यार्थी जी 20 × 20 के फॉर्म में है कि नहीं,
800 को देखिए विद्यार्थी जी, 20 गुने 40 के फॉर्म में है कि नहीं। 60 को देखिए तो 20 गुने 3, तो अब 20 गुने n का मतलब समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब जब आपको समझ में आ गई तो इसके लास्ट टू डिजिट क्या होंगे, सबके लास्ट टू डिजिट 01, इसके भी लास्ट 01, इसके भी लास्ट टू डिजिट 01, इसके भी लास्ट टू डिजिट 01। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यानी कि सबके लास्ट डिजिट 01 आने वाले हैं, 01 आने वाले हैं, 01 आने वाले हैं। यानी आप इस चीज को नोट में लिख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि बेस में अगर ये 1379 हो और उसका पावर 20n के फॉर्म में हो तो उसके लास्ट टू डिजिट 01 ही होंगे, वो नहीं बदलते हैं। ये आपको टाइप वन की बात अभी हम कर रहे हैं, लास्ट टू डिजिट निकालना। हाँ, यहाँ पे आप हेडिंग में भी लिख सकते थे लास्ट टू डिजिट। हाँ, टू डिजिट का ये पहला ही वीडियो है, टू डिजिट का ये पहला ही वीडियो। देखिए, इसमें अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछिए, हमको नहीं लगता है कि डाउट हो गया। हाँ, आप इसको ऐसे समझिए ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे वन हो बेस में, या आपको बेस में क्या हो 3 हो, या आपको बेस में क्या हो 7 हो, आपको बेस में क्या हो 9, और इसका पावर हो 20n के फॉर्म में, तो इसका लास्ट टू डिजिट 01 ही आने वाला है। ये मतलब है, ये मतलब है कि कोई भी बड़ा भी नंबर हो सकता है, बहुत बड़ा, एग्जांपल के तौर पे आप बहुत बड़ा बड़ा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 9876739 और इसका पावर आपने ले लिया 2000। अब इसका यूनिट डिजिट, सॉरी लास्ट 10 डिजिट, तो 01 ही आने वाला है। ये आपको कभी नहीं दिक्कत होगा, ये देख लीजिए। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में तो 9 है ना, और मतलब लास्ट बेस में 9 हो और पावर ये 20n के फॉर्म में हो तो उसका लास्ट टू डिजिट तो 01 ही होता है मेरे दोस्त। बोलिए, अभी भी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, तो चलिए, थैंक यू। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, इसका वीडियो देखिएगा। थैंक यू।